हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू द गेट एकेडमी प्लस चैनल। और आज जो भी हम लोग वीडियो करने वाले हैं, एक बार हम लोग उस पूरे वीडियोस का आज का हाइलाइट देख लेते हैं। तो एक बार थोड़ा हाइलाइट की तरफ ध्यान देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पहले हम लोग हाईलाइट तो देख लिए, अब बात आती है कि आज जो हम लोग वीडियो करने वाले हैं, आज जो हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप लोग, वो जो लेक्चर है बहुत आगे का पार्ट है। बहुत आगे का पार्ट मतलब लाइन प्रोजेक्शन का आपका ये पांचवा केस चल रहा है। पांचवा केस आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब बात आती है कि ये पांचवा केस तो आया, फिफ्थ केस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले चार केस कुछ और भी थे। तो उन चार केसेस को आप लोग प्लीज पुराने वीडियोस में जाइए और हमारे पुराने कल जो चार केसेस है उसको थोड़ा सा देखिए, तो वहां से आपको क्लियर होगा कि क्या क्या केसेस पहले हम लोग कर चुके हैं और अभी जो केस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका बेस जो है आपके पुराने केसेस से है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक छोटा सा मतलब आपका रिकैप टाइप का देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार केसेस है जो केसेस हम लोग पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। पहला केस क्या बोलता है, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। एक लाइन है जो आपका वीपी के पैरेलल है बट परपेंडिकुलर टू एचपी है, एचपी से आपका परपेंडिकुलर है। ये केस हम लोग फर्स्ट वीडियो में किए लाइन प्रोजेक्शन के। सेकंड कंडीशन यानी सेकंड केस हो गया पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक आपका फर्स्ट का उल्टा, यानी कि पैरेलल टू एचपी है। एक लाइन जो है आपका एचपी से पैरेलल है और वीपी से आपका परपेंडिकुलर है। थर्ड केस हम लोगों ने किया था लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में आपका जो है लाइन आपका एचपी से भी आपका पैरेलल है, वीपी से भी पैरेलल है। जो पिछला हम लोगों ने वीडियो किया था वो याद होगा, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, यानी आपका जो लाइन है वीपी से पैरेलल है मगर इंक्लाइंड किससे है, आपका एचपी से, मतलब एक एंगल पे है, इंक्लिनेशन पे है। तो चलिए आज हम लोग जो पांचवा केस करने वाले हैं वो ठीक है आपका इसका अपोजिट है। फिफ्थ केस जो है आपका, जो फिफ्थ केस है हमारा, ठीक है आपका फोर्थ का उल्टा है, लाइन पैरेलल टू एचपी बट इंक्लाइन टू वीपी। आपका जो होगा लाइन आपका किसमें पैरेलल होगा, एचपी से पैरेलल होगा और इंक्लाइन टू वीपी होगा। तो चलिए आज हम लोग जो फिफ्थ केस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइन हमारा क्या है, एचपी से पैरेलल है और वीपी से इंक्लाइंड है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि आपका कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सपोज फ्रेंड दिस वन इज वीपी, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ये आपका वीपी है और ये टेबल आप जो देख रहे हैं इसको एज ए रेफरेंस या बोल सकते हैं एज ए फर्श जो आपका है, जो आपका फ्लोर है उसको एज ए हम लोग एचपी मान के चलते हैं। और ये आपका एक पाइप है जिसे हम लोग लाइन के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देंगे। कंडीशन क्या बोल रहा है, पैरेलल टू आपका एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, मतलब आपका एचपी से पैरेलल होगा, ध्यान समझिएगा, एचपी से पैरेलल होगा बट वीपी से इंक्लाइंड होगा। अब ध्यान समझिएगा ये कंडीशन, ध्यान से देखिए, तो पैरेलल टू एचपी है बट वीपी से क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान समझिए, आप इस लाइन को ध्यान से देखिए या इसे लाइन ऐसे लाइन करते हैं, मतलब इमेजिन करके चलेगा कि ये जो लाइन है आपका एचपी से पैरेलल है, ध्यान से देखिए यह आपका पैरेलल है बट वीपी से परपेंडिकुलर है, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। कंडीशन क्या बोल रहा है, पैरेलल टू एचपी इंक्लाइन टू वीपी। दूसरा केस देखते हैं, इस तरीके से अगर मैं रख रहा हूं तो अभी भी पैरेलल टू क्या है, एचपी है बट वीपी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर नहीं है, इस बार क्या हो गया, पैरेलल है। तो जो हमारा केस है इंक्लाइन टू वीपी वो तो अभी भी नहीं है। तो ध्यान से देखिए, पैरेलल टू एचपी बट इंक्लाइन टू वीपी, अभी भी केस नहीं आ रहा है। पैरेलल टू एचपी बट पैरेलल टू वीपी, अभी भी केस नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका लाइन है पैरेलल टू एचपी है और देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, मैं वीपी के अलोंग देखिए आपका एंगल चेंज कर रहा हूं। अगर आप इसका एंगल धीरे धीरे चेंज करेंगे तो ध्यान से देखिए आपका ये एचपी, सॉरी ये जो आपका वीपी लाइन है, जो आपका वीपी प्लेन है, इस प्लेन से हमारा जो ये लाइन है आपका इंक्लाइंड है एंड साइड बाय साइड आपका एचपी से देखिए पैरेलल भी है, एचपी से आपका ये पैरेलल भी है
और साइड बाय साइड आपका वीपी से इंक्लाइंड भी है। अब इसके दोनों कंडीशन ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसे परपेंडिकुलर टू वीपी रखता हूं और उससे एंगल मोड़ते जा रहा हूं, ध्यान से देखिए एंगल मूव करते जा रहा हूं, और जब 90 डिग्री पूरा मूव कर दूंगा तो एक कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अगर इसको 90 डिग्री इस तरीके से मैं रोटेट कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। यानी इसके बीच में आपका लाई क्या करता है, कौन सा कंडीशन लाई करता है आपका, आपका पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। तो याद रखिए आपका आपका ये जो कंडीशन है पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, ये आपका किस किस के बीच में है? मतलब आपका लाई करता है, तो लाई करता है आपका ये, आपके ये दो कंडीशन के बीच में आपका लाई करता है क्या, ये वाला कंडीशन। क्या क्या केस है, पैरेलल टू वीपी एंड एचपी एंड पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, इन दोनों केस के बीच में आपका ये कंडीशन लाई करता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आपका 3D व्यू में, अभी तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, 3D व्यू में देख लेते हैं। सपोज दिस वन इज वीपी प्लेन, आप देख सकते हैं ये आपका वीपी प्लेन है, ये आपका एचपी प्लेन है, ये आपका जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका लाइन है, सपोज मानिए दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, सो लाइन इज ए बी, ध्यान समझिएगा लाइन जो है आपका ए बी है, ये लाइन ए बी ध्यान से देखिए आपका एक एंगल बना रहा है किससे, वीपी से, वीपी से आपका इंक्लाइंड है, बट ध्यान से देखिए ये आपके एचपी के पैरेलल है। तो जब आपका इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हम लोग ध्यान देंगे, तो टॉप व्यू में ध्यान से देखिए, टॉप व्यू में आपका जब ये नीचे जा रहा है तो ये आपका स्मॉल ए स्मॉल बी सेम लेंथ का, ध्यान समझिएगा सेम लेंथ का, आपका जो लेंथ है आपका ए बी का, जो लेंथ है आपके लाइन का, जो गिवन लाइन है उस लेंथ का आपका टॉप व्यू बन रहा है किस पे, एच पी पे। और आपका वही चीज देखिए इसको फ्रंट व्यू में, जब मैं इसको विजुलाइज कर रहा हूं तो फ्रंट व्यू में क्या हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, ये आपका श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो बना है ये क्यों श्रिंक हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आपका एंगल जैसे जैसे आपका चेंज हुआ है वैसे वैसे आपका कल, मतलब जो साइज है इसका वो आपका डिक्रीज इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यह लाइन आपका परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन को आप एंगल चेंज करें, ध्यान से देखते जाइए, तो आपका अब ये डिस्टेंस जो है फ्रंट व्यू का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए इस पॉइंट तक है, फिर धीरे धीरे मूव करेगा, आपका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और देखिए जब आप वापस इस तरीके से चेंज करेंगे तो आपका डिस्टेंस घटते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है यहां पर कम ज्यादा होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो यहां पे जो आपका हो गया ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू में ए डैश बी डैश, तो आपका जो है ए डैश बी डैश यानी कि फ्रंट व्यू जो वैल्यू है वो आपका इक्वल टू द लेंथ नहीं होगा, जो आपका इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ या ट्रू लेंथ दिया हुआ है आपका लाइन का उसके इक्वल नहीं होगा, उससे जब भी होगा आपका कम होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो आपका टॉप व्यू है और जो आपका फ्रंट व्यू है, तो टॉप व्यू हमेशा आपका इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन होगा, एंड जब भी आपका फ्रंट व्यू होगा वो क्या होगा, आपका लेस देन द लेंथ ऑफ द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका क्या था कि 3D व्यू समझे, अब इसका कहते जो ओरिजिनल आपका जो सॉल्यूशन होता है उसे कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर वाले लाइन पे इसका प्रोजेक्शन हम लोग शो करेंगे। तो चलिए प्रोजेक्शन हम लोग शो करने से पहले तो एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि जो भी हम लोग प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं याद रखिए कि ये जो एक्स वाई लाइन है इस पे आपका नहीं आना चाहिए, आपका जो भी आएगा प्रोजेक्टर लाइन पे आएगा। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे जो पॉइंट ए दिख रहा है ध्यान से देखिए, पॉइंट ए के लिए आपका कंडीशन दिया होगा कि आपका कितना डिस्टेंस पे है, किस क्वाड्रेंट पे है आपका, वो सारी चीजें तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से क्लियर होगा, या तो हमारे पुराने वीडियोस में जाएंगे भी तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे, एक मतलब नॉर्मल विजुलाइजेशन कर लेते हैं कि आपका बनाना कैसे।
तो ध्यान से देखिए, आपका पॉइंट ए का जो कंडीशन है आपका दिया रहेगा इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है, अबव एचपी कितना है। तो जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका वीपी लाइन है। तो वीपी पे आपका ये डिस्टेंस जो भी है, समथिंग मान लीजिए एक्स है, वाई है, जो भी है, तो ये जो भी डिस्टेंस है आपका, उतने डिस्टेंस पे आपका फ्रंट व्यू ऑफ ए, ए डैश आ गया। सेकेंड आपका जो ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, टॉप व्यू है। ये आपका स्मॉल ए जो है आपका क्या है, टॉप व्यू है। और टॉप व्यू किस पे बन रहा है, एचपी पे। देखिए जो मैं आपका केस समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा, जो केस समझा रहा हूं ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपका फ्रंट व्यू में ही रहे, मतलब फ्रंट व्यू बोल रहा हूं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये कंडीशंस आपके हर क्वाड्रेंट में फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। आपके कहते फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मैं कर रहा हूं, थर्ड में भी फॉलो हो सकता है, फोर्थ में भी फॉलो हो सकता है, हर केस में आपका फॉलो हो सकता है। तो ये मत समझिए कि हमेशा आपका जो मैं फ्रंट व्यू आपका वीपी पे बन रहा है और एचपी पे टॉप व्यू बन रहा है और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस चल रहा है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा। मैं केस समझाने के लिए कोई एक क्वाड्रेंट को यूज कर रहा हूं, आप उसके तीनों क्वाड्रेंट पे वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट होता है इन दैट केस, अगर आप लोग मतलब वीडियोस में कहते कमेंट के थ्रू आपको बताएंगे कि जो अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर ट्राई कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं तो इन दैट केस एक काम कीजिएगा, आप लोग उसका फोटो क्लिक करके हमको कमेंट में जरूर भेजिएगा ताकि इससे हमको क्लियर हो जाए कि आपको कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उससे हम भी थोड़ा सा गलत है आपको जो हेल्प कर सकते हैं उस पर भी हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपका टॉप व्यू है, पॉइंट पे आते हैं, ये जो आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू किस पे आ रहा है, एचपी पे। टॉप व्यू किस पे आ रहा है, एचपी पे। और एचपी क्या है आपका, एचपी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और मैंने कई बार आपका कहा है, पॉइंट प्रोजेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, लाइन प्रोजेक्शन में इतने वीडियोस करने के बाद आपके बता चुका हूं कि जो आपका एचपी पे आपका जो पॉइंट आता है, जो भी पॉइंट आता है वो आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है 90 डिग्री। कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये मान लीजिए समथिंग वट एवर जो भी डिस्टेंस आपका दिया हो क्वेश्चन में, हम तो केस का क्वेश्चन करेंगे उससे हम समझेंगे, बट आपका मान लीजिए समथिंग करते जेड डायरेक्ट, मतलब जेड आपका दिया है वैल्यू, ए दिया है, बी दिया है, जो भी दिया है वो आपका सेम डिस्टेंस से यह आपका कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये मान लीजिए ये आपका टॉप व्यू आ गया ए का, ठीक है। ये तो हो गया मेरा इस पॉइंट ए का। अब बात आ रहा है बी का, तो अब बी का आ रहा है, तो ध्यान समझिए आपका जो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वीपी, तो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी दिया रहेगा कि आपका कितने एंगल से आपका रोटेट कर रहा है, कितने एंगल से आपका इंक्लाइन कर रहा है। सपोज करिए कि आपका थीटा एंगल से आपका रोटेट कर रहा है, तो इन दैट केस आप यहां पे थीटा एंगल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लिए, थीटा एंगल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लिए, सफिशियंट लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपका जो लेंथ दिया रहेगा तो, और आपको मालूम है कि जो टॉप व्यू है उसमें आपका ओरिजिनल लेंथ आएगा, तो मान लीजिए समथिंग करते आपका एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, वट एवर, मतलब जो भी साइज दिया हो ए बी का, उस सेम डिस्टेंस को हम लोग यहां पे एक आर्क रख के कट करेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको ए बी यानी कि आपका टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ये आपका टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी आपको मिल गया। अब इस लाइन को पैरेलल टू दिस लाइन, आप इस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे अपर साइड, ठीक है। ये अपर साइड प्रोजेक्ट करने के बाद ध्यान से देख सकते हैं कि आपका वीपी में जो ए डैश बी डैश है वो आपका ध्यान से एक्स वाई लाइन के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, दिस वन इज योर एक्स वाई लाइन और इस एक्स वाई लाइन के ये क्या है, पैरेलल है। तो आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको मिलेगा बी डैश। तो ध्यान से देखिए, दिस इज योर टॉप व्यू,
सॉरी फ्रंट व्यू ऑफ ए बी लाइन एंड दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो ये मान लीजिए जो भी थीटा है, अभी तो क्वेश्चन हम लोग ओरिजिनल जब करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपका रिजल्ट है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। और सेकंड चीज याद रखिएगा कि ये जो चीजें होती हैं ये आपका रफ वर्क में करें, इसको आप लोग मतलब ओरिजिनल वर्क में नहीं होता, ये रफ में कॉपी में साइड में कहीं पे भी करके एक बार देख सकते हैं। बाकी आपको याद रखने की भी चीज है ये, थोड़ा सा मतलब मेंटली आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि हमेशा ऑल टाइम आप इसे बना के नहीं गलत चेक कर सकते क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहें और थोड़ा सा गलत उस पर वर्क ज्यादा करें ताकि गलत एग्जाम के टाइम में आपको दिमाग में क्लिक करे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो आपको याद होना चाहिए कि आपके टॉप व्यू में आपका इक्वल लेंथ ऑफ जो भी आपका लाइन दिया होगा उसके इक्वल लेंथ का आपका टॉप व्यू बनेगा मगर एंगल पे, एंड आपका फ्रंट व्यू बनेगा वो भी किसका डिक्रीज लेंथ। तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स वाई के, और जो आपका टॉप व्यू बनेगा वो किससे इंक्लाइंड होगा, एक्स वाई के। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में ऑल टाइम क्लिक करना चाहिए, ये नंबर ऑफ प्रैक्टिस से आपका धीरे 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 आपका कल तक काफी मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं इस केस को। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन एक लेते हैं और उस क्वेश्चन से केस फाइव को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है आपका थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन आप पूरा पढ़ें, मैं हमेशा बच्चों को इसी बात पे मतलब ध्यान देने के लिए बोलता हूँ कि क्वेश्चंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या होते हैं भावनाओं में बह जाते हैं। इंजीनियरिंग लाइफ होती है ऐसी जहाँ हम लोग कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भावनाओं में अलग ही लेवल पे बह जाते हैं। बट क्या होता है कि क्वेश्चन हम लोग पूरा पढ़ें, क्या होता है कि स्टार्टिंग में दो लाइन पढ़े, अरे ये तो वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम लोग ने पढ़ के आए थे। थोड़ा सा ध्यान से देखें, हो सकता है आप जो क्वेश्चन पढ़े हो क्वेश्चन वही हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चन वही हो, बट हो सकता है वैल्यू में चेंजेस हो। और मान लीजिए वैल्यू आपका 75 का पढ़ के आए, क्वेश्चन में आपका यहां 70 दे दिया, एंगल आप 45 का पढ़ के आए थे, एंगल यहां गलती से 49 दे दिया है, 50 दे दिया है, और आपने उस चीज को ध्यान नहीं किया, कैच नहीं किया, आपका तो गया मार्क्स। इसलिए आपको हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चंस पूरा पढ़ें। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ हर एक पॉइंट को कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप नोट कर लें ताकि आपको सॉल्यूशन करने में इजी होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लाइन है लाइन ए बी, ध्यान समझिएगा एक लाइन है लाइन ए बी। अब आप लोग बोलेंगे सर हमेशा आपके कलते ना क्वेश्चन में ए बी ही लाइन होते हैं, क्या करें, उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं, आप लोग चेंज कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग, लेंथ क्या बोल रहा है आपका 75 mm, यानी कि हम लोग कितने लेंथ का आपका बनाना है 75 mm लॉन्ग ए बी लेंथ का हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे पैरेलल टू एचपी, कंडीशन समझिए पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू 45 degree टू वीपी। आपका पैरेलल एचपी से है और इंक्लाइंड आपका वीपी से है, बट कितना 45 degree टू वीपी, और किससे पैरेलल है एचपी से। केस क्लियर हो रहा है कि कौन सा केस है हमारा, आगे देखते हैं। इट्स एंड पॉइंट, इसका जो एक पॉइंट है ए इज 20 mm अबव एचपी। आपका 20 mm क्या है एचपी से आपका अबव है, ऊपर है। सपोज ये आपका फर्स्ट जो है आपका ये जो फ्लोर है, दिस वन इज एचपी एंड दिस वन इज वीपी, तो आपका क्या बोल रहा है पॉइंट ए जो है आपका एचपी से अबव है, ऊपर के साइड है। एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से दिस वन इज वीपी, आपका वीपी से 25 mm 25 mm आगे की तरफ है। ध्यान समझिए 20 mm अबव है एचपी से एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। आगे देखते हैं ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अब चीजों को ध्यान से हम लोग थोड़ा थोड़ा चीजें जो भी है मेन पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं।
तो ये हम लोगों ने मेन पॉइंट्स जो है आपका जो क्वेश्चन है आपका निचोड़ निकला वो चीज़ें हम लोग लिख लिए। ध्यान से देखिए लाइन ए बी जो है आपका 75 mm है। कंडीशन क्या बोल रहा है? पैरेलल टू एच पी इंक्लाइन टू वीपी, बट कितना? 45 degree टू वीपी। क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि पॉइंट ए जो है इसका एंड पॉइंट ए जो है आपका 20 mm अबव एच पी है एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो केस समझे थे उस केस का जो हम लोग 3D व्यू आपका दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे डेटास को हम लोग इस पर पुट करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका पॉइंट ए के बारे में पहले कंडीशन समझिए कि बोल क्या रहे हैं, तब हम लोग वहाँ पुट करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी केस समझना जरूरी है। तो क्वाड्रेंट समझेंगे, क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है उसके लिए हम लोग इसके कंडीशंस को ध्यान देते हैं। 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से 25 mm आगे एंड 20 mm अबव एचपी, एचपी से ऊपर। जिसे भी डाउट हो रहा है कि ये क्या चीज है, ये किस तरीके से हम लोगों ने इससे क्वाड्रेंट निकाला, इसके लिए प्लीज हमारे पॉइंट प्रोजेक्शन जो आपका टॉपिक है वहां की पूरी वीडियोस को अच्छे से आप लोग देखें, वहां से पूरा पॉइंट क्लियर होगा। तब आपको क्लियर होगा कि देख के 2 मिनट में कैसे बता सकते हैं कि आपका ये कौन से क्वाड्रेंट का है। तो ध्यान से देखिए, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी क्वाड्रेंट वन, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्वाड्रेंट फर्स्ट का ये क्या आपका क्वेश्चन है? ठीक है, तो आपका ये जो कंडीशन सेट होगा कहां होगा? क्वाड्रेंट फर्स्ट में, यानी कि आपका सपोज दिस वन, ये आपका वीपी है, ये आपका एचपी है, ये आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं। दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा कंडीशन दिस वन इज वीपी, एचपी, एचपी एंड दिस वन इज ऑल्सो वीपी। हमारा कंडीशन जो है इस क्वाड्रेंट का है, हमारा जो कंडीशन दे रहा है वो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ना हमारा इस क्वाड्रेंट का, ना इस क्वाड्रेंट का, ना इस क्वाड्रेंट का। क्वेश्चन में हमारा कंडीशन क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही सेटअप किया गया है। इसको हम लोग देखते हैं और जो डेटाज है उसमें हम लोग इंप्लीमेंट करके सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, तो ये जो आप पॉइंट ए देख रहे हैं, ये जो आपका पॉइंट ए दिख रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो आपका डिस्टेंस है दिस वन, ये आपका डिस्टेंस जो है आपका 20 mm अबव एचपी है, एचपी से आपका 20 mm ऊपर है, और ये जो आपका डिस्टेंस है जो कि आपका इस वीपी से 25 mm सामने की तरफ है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो पॉइंट ए का आपका क्या मिल गया? सारा पॉइंट मिल गया। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। इसको सॉल्यूशन पहले मैं पॉइंट ए के ऊपर फोकस करूंगा और उस पर सॉल्यूशन करके देखेंगे, फिर बाकी के लाइन के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए इसका पॉइंट ए का फोकस हम लोग करते हैं और उस पर सॉल्यूशन करके एक बार देखते हैं। ध्यान से देखिए, आपका ये पॉइंट ए का जो कंडीशन है इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी, तो देखिए इसका जो फ्रंट व्यू है वो आपका वीपी पे बना हुआ है, और कितनी हाइट पे बना हुआ है? तो वो आपका 20 mm हाइट पे बना हुआ है। और हम अगर सॉल्यूशन करते हैं तो याद रखिए, मैंने कई बार ये बताया है कि जो एक्स वाई लाइन है उस लाइन पे हम कुछ नहीं रखते हैं, मगर जो आपका वर्टिकल लाइन है दिस वन, प्रोजेक्टर लाइन, इसी पे लेके आते हैं। तो चलिए ये प्रोजेक्टर लाइन पे हमको वैल्यूज लेके आनी है। तो पॉइंट देखिए, ये आपका एक्स वाई यहां पर भी है, एक्स वाई यहां पे भी है, दोनों ही पार्ट में देखिए, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है। एक्स वाई के वर्टिकल पोजीशन पे ध्यान दीजिए, तो ये आपका 20 mm अबव आपका क्या आ रहा है? फ्रंट व्यू ऑफ ए। तो मैं भी यहां पे क्या कर रहा हूं, 20 mm अबव फ्रंट व्यू लगाता हूं पॉइंट ए का। सेकेंड पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात हो रही है, ये तो हो गया आपका फ्रंट व्यू का, अब बात हो रही है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू पे आप ध्यान दीजिए, आपका ये जो पॉइंट ए है टॉप व्यू में, पॉइंट ए का जो टॉप व्यू है स्मॉल ए, इसे ध्यान दीजिए किस पे बना हुआ है आपका? एचपी पे। एचपी क्या आपका? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। बट मैंने कई बार बताया है, पुराने वीडियोस में भी आप जाके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा,
कि आपका वर्टिकल प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग वर्टिकल प्लेन पे नहीं रखते, हम लोग उसे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं। अगर सपोज ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये आपका डिस्टेंस कहां चला जाएगा, डाउनवर्ड एक्स वाई के नीचे। तो ये आपका 25 mm का जो डिस्टेंस है किस चीज का, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए, तो वो कहां चलेगा, डाउनवर्ड। ये रोटेट होकर कहां जाएगा, डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड आने के बाद 25 mm कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टॉप व्यू। तो चलिए हम लोग यहां पुट करते हैं, ध्यान से देखिए पॉइंट ए का तो काम हो गया, हमको क्वेश्चन में जो पॉइंट ए का केस दिया था वो हमने सॉल्व कर दिया। बट क्वेश्चन किस चीज का है, पॉइंट का क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन आपका लाइन का है, और लाइन क्या है आपका, लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग। तो हमें बाकी चीजें भी सॉल्व करना पड़ेगा पूरा लाइन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखते हैं इसमें कि जो आपका लाइन है ए बी वो आपका पैरेलल टू एचपी है, तो ध्यान दीजिए कंडीशन मैच कर रहा है, आपका पैरेलल टू एचपी है एंड इंक्लाइंड टू वीपी है, वीपी से इंक्लाइंड है। तो आपका कंडीशन में देखिए वीपी से इंक्लाइंड है, कितना है 45 डिग्री, तो आपका यहां जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, यानी कि जो आपका वीपी से इंक्लाइंड हुआ है वो कितना हुआ है आपका, 45 डिग्री एंगल पे हुआ है। तो ये 45 डिग्री एंगल पे आपका वीपी से इंक्लाइंड है आपका लाइन, बट पैरेलल टू अभी भी एचपी है। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन में मतलब केस में समझा था कि ये जो आपका लाइन है, लाइन ए बी जो आपका इंक्लाइंड है एचपी से सॉरी वीपी से, उसका जो टॉप व्यू बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू एचपी बट इंक्लाइंड टू वीपी। बट इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका जितना लेंथ आपका लाइन का है, ओरिजिनल लाइन का जो लेंथ है यानी कि 75 mm लेंथ है लाइन का, तो आपका टॉप व्यू भी सेम लेंथ का बनेगा और इंक्लाइंड किससे बनेगा, एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री। तो चलिए हम लोग इस लाइन को यानी कि टॉप व्यू को हम लोग उसमें पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आपका एंगल जो है 45 डिग्री पे है, तो 45 डिग्री यहां से एक एंगल नापेंगे, उसके बाद उस लाइन को एक नॉर्मल सफिशियंट लेंथ लाइन का हम लोग ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें पता है कि जो टॉप व्यू है वो आपका इक्वल लेंथ ऑफ लाइन आएगा, जो आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन है उसके इक्वल आएगा। तो लेंथ कितना है ट्रू लेंथ आपका, 75 mm। अब इसी 75 mm को आर्क पे नापिए, आर्क पे मेजर करिए एंड आप इस पॉइंट पे रखेंगे और कट करेंगे, तो आपका मान लीजिए यहां पे 75 mm का ये लाइन लेंथ बन गया, ठीक है। नाउ इस लाइन के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान देखिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका कहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से जहां पे आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब हमें यह भी मालूम है कि जो टॉप व्यू है, जो टॉप व्यू है इंक्लाइंड टू एक्स वाई होगा, एक्स वाई लाइन के इंक्लाइंड होगा जितना एंगल दिया होगा, और वो आपका इक्वल लेंथ ऑफ ओरिजिनल जो लाइन दिया होगा उसके इक्वल होगा। बट ये भी हमें मालूम है कि जो फ्रंट व्यू में, जो फ्रंट व्यू में आपका ए डैश बी डैश आएगा वो यहां से देख सकते हैं एक्स वाई लाइन के ये पैरेलल आएगा, एक्स वाई लाइन के ये पैरेलल आएगा। जैसे हम लोग केस में समझे थे एक्स वाई लाइन जो है ये आपका, इसके ये पैरेलल होगा आपका क्या होगा, ए डैश बी डैश यानी कि फ्रंट व्यू ऑफ लाइन। तो हम लोग यहां से एक्स वाई के पैरेलल जाके ए डैश से एक लाइन ड्रॉ किए और यहां पे नाम क्या लिख दिया हम लोग, बी डैश, और ये आपका क्या हो गया, स्मॉल बी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड टॉप व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वन इज योर फ्रंट व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, और एंगल क्या है ये आपका,
45 डिग्री। तो जो आपका क्वेश्चन में कंडीशन दिया था, जो केस दिया था, उस केस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से आपका टोटल सॉल्व होगा। तो आपको मेन जो क्वेश्चन में शो करना है वो आपका ये पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। बाकी जो हम लोग ड्रॉइंग कॉपी में बनाते कैसे, ये तो मैंने कंसेप्ट की बात कर दी, आपका कैसे आया, क्यों आया, कैसे आना चाहिए, ये तो मैंने कंसेप्ट की बात कर दी। अब बात है कि ये आपका ड्राइंग कॉपी में कैसे शो करेंगे, ड्राइंग कॉपी में कैसे बनाएंगे, कौन सी चीज आपकी डार्क होगी, कौन सी चीज आपकी लाइट होगी। क्योंकि हमारा मेन मोटिव आपका ये की है कि अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो कंसेप्ट के साथ साथ ड्राइंग भी समझें। बहुत केसेस में क्या होता है, बहुत हम लोगों ने इस चीज पे रिसर्च किया है, दांडे सर ने काफी मतलब इस चीज पे रिसर्च करके फिर कलते ये बात पे हम लोगों ने चर्चा की और बहुत कलते हम लोगों ने इस पे वर्क किया है कि बच्चों को कंसेप्ट तो मिल रहा है। ड्राइंग का ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ कंसेप्ट तो हमें बच्चों में जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट के साथ हमें ड्राइंग भी जनरेट करना है कि बच्चे का ड्राइंग कैसे सुधरे। क्योंकि 99% केसेस में देखा गया है कि बच्चों को कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट उन्हें मालूम है कैसे बना, बट ड्राइंग कैसे बनेगा वो नहीं पता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया, ये तो कंसेप्ट समझने की चीज थी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं ड्राइंग कॉपी पे और सिस्टमेटिकली कैसे ड्राइंग बनते हैं उस पे वर्क करते हैं और किस तरीके से आपका ड्राइंग बनाना है, उसमें क्या चीज कैसे आर्क आपको यूज करना है, लाइन कौन सी डार्क होगी, कौन सी लाइन डार्क नहीं होगी, पॉइंट कैसे मैच करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग चलते हैं ड्राइंग कॉपी में डील करने और वहां से आप क्लियर करेंगे कि आपका क्वेश्चन को बनाना कैसे है और मार्क्स गेन कैसे करना है। तो चलिए ड्राइंग कॉपी में चलते हैं। चलिए आपका जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, क्वेश्चन में आपका जो जो चीज दिया है उसको हम लोग यहां राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहला चीज क्या दिया है, आपका AB, AB आपका कलर लाइन है, लाइन का लेंथ कितना है आपका 75 mm, ठीक है। तो लाइन की आपका लेंथ कितना है आपका 75 mm, ठीक है। उसके बाद आपका कंडीशन क्या बोला है आपका, पैरेलल टू HP, पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू VP। OB कितना डिग्री, इंक्लाइन कितना बोला VP से, तो वो है आपका 45 डिग्री टू VP। तो कंडीशन हमें क्लियर हो गया, केस कौन सा है क्लियर हो गया, लाइन कितना है, लेंथ कितना है क्लियर हो गया, आपका कितने एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है ये भी क्लियर हो गया। नाउ कंडीशन में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट ए का केस का कंडीशन दिया हुआ है कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ, सॉरी 20 mm अबव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। नाउ अब क्वेश्चन में आपका जो चीज दिया है उसको ध्यान से देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपका इन फ्रंट ऑफ VP और अबव HP का केस है, सो क्वाड्रेंट इज वन, क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, सो रिजल्ट क्या होगा आपका, टॉप व्यू आपका XY के नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू आपका XY के ऊपर बनेगा। सो ये आपका क्लियर हो चुका है। नाउ अब हम लोग इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइट इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका पॉइंट ए है, उसके लिए हम लोग प्लॉट करेंगे। सो दिस इज योर XY लाइन। अब यहां पे हम लोग क्या प्लॉट करना है, इस प्रोजेक्टर पे क्या प्लॉट करना है, पॉइंट ए जो है उसके जो कंडीशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया आपका, 20 mm अबव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो चलिए यहां पे एक रफ नॉर्मल बना लेते हैं, तो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 20 mm अबव HP। तो HP से आपका 20 mm अबव एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि आपका A का कहां पे पॉइंट मिलेगा। तो ये आपका A का ये मिल गया प्लेस और ये हो गया आपका फ्रंट से देखने से, फ्रंट व्यू A डैश, टॉप से जब देखेंगे इसको तो दिस वन इज योर टॉप व्यू, ओके। एंड अब इसका क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशन शो कर देते हैं साइड बाय साइड,
ये आपका 20 mm है, 20 mm अबव एचपी, सो 20 mm ये आपका एचपी है, एंड दिस वन इज योर वीपी, दिस वन इज योर एक्स वाई लाइन। एरो को हम लोग बहुत ही लाइट फील करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ये आपका 25 mm, चलिए तो इससे हमें यह मालूम चल जा रहा है कि हम लोग का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहां और कितने डिस्टेंस में बनेगा। तो देखिए ध्यान से, एक्स वाई लाइन के ऊपर 20 mm पे फ्रंट व्यू है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर यहां पे भी 20 डिस्टेंस पे आपका फ्रंट व्यू बना देंगे, किसका, पॉइंट ए का, जो कि आपका ए डैश है। क्लियर। दूसरा चीज आपका टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू आप ध्यान से देखिए, ये एचपी लाइन पे है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमको एचपी लाइन पे जो है उसको हम लोग इस एक्स वाई लाइन पे तो ला नहीं सकते, हमको लाना तो इस वर्टिकल लाइन पे ही है। तो हम लोग जैसे नॉर्मली करते हैं, हम लोग 90 डिग्री इंक्लाइन, मतलब 90 डिग्री रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो रोटेट करके हम लोग जब क्लॉकवाइज नीचे लाएंगे तो 25 आपका डिस्टेंस पे नीचे यहां पे आपका क्या बनेगा, टॉप व्यू। तो चलिए ये आपका टॉप व्यू बना देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आपका साइज कितना बोला, 75 mm लेंथ, तो 75 mm लेंथ पे यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपका यहां से पॉइंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिर्फ लाइट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। इससे ये शो करना चाहते हैं कि अगर आपका पॉइंट जो लाइन है इंक्लाइन ना होकर पैरेलल टू वीपी या पैरेलल टू एचपी दोनों होता, तब हमारा नॉर्मल ऐसा बनता, जैसा कि हम लोग थर्ड केस में देखे थे। तो पैरेलल टू एचपी और वीपी बोथ होता तब हमारा ऐसे बनता, लेकिन हमारा पैरेलल टू वीपी तो आपका देख चुके हम लोग, अब हम लोग पैरेलल टू एचपी का केस देख रहे हैं। तो पैरेलल टू एचपी और इंक्लाइन टू वीपी है, तो उस केस में हमारा क्या मतलब चेंजेस आ रहा है फिगर में, उसमें देखते हैं। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए, मैंने पिछले कल वीडियो में बताया था, एचपी से एंगल ऊपर बनता है और वीपी से एंगल नीचे बनता है, ठीक है, जो भी एंगल का साइज दिया हो, जो भी एंगल दिया होगा। तो यहां पे 45 डिग्री टू एचपी दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए 45 डिग्री टू एचपी, सॉरी 45 डिग्री टू वीपी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वीपी से एंगल नीचे बनेगा, तो यहां से हम लोग 45 डिग्री का एंगल हम लोग मेजर करेंगे। सो दिस वन इज योर 45 डिग्री। नाउ अब हम लोग इसे एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम चाहें तो यहां पे 75 को मार्क करके कट कर सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा क्या है, ड्राइंग में थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे। हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये जो डिस्टेंस है आपका मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद इसी पॉइंट को हम लोग यहां मेजर करते हुए हम लोग यहां पे लेके इस लाइन को कट करेंगे। तो ये जितना आपका है डिस्टेंस 75, सो ये भी आपका 75 हो गया, तो ये आपका डिस्टेंस हमको मिल गया 75, तो ये आपको क्या मिल गया, टॉप व्यू, क्या मिल गया आपको, ये टॉप व्यू। और जब हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहां हमको फ्रंट व्यू का साइज मिल जाएगा, यह आपका फ्रंट व्यू। तो यह हो गया आपका ए बी, जो कि आपका टॉप व्यू है, और यह हो गया ए डैश बी डैश, जो कि आपका फ्रंट व्यू है। एंगल इसमें हम लोग दिखाएंगे, शो करेंगे, यह आपका 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री पे इंक्लाइंड आपका टॉप व्यू, और ये आपका मतलब फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग डायमेंशन इसको दे देते हैं, ये आपका एरो बना लेंगे प्रॉपर, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई, डायमेंशन हम लोग शो करेंगे, प्रॉपर शो करेंगे। देखिए डायमेंशन ना शो करने से आपका एक नंबर एटलीस्ट तो कट ही जाएगा, सो कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज आप आधा अधूरा ना रखें। तो ये आपका साइज जो था आपका ये 20 mm,
दिस वन इज 25 mm, प्रॉपर एरो बनाएंगे। बस एरो बनाते हुए ये ध्यान रखिएगा कि लाइट फिल करना है, डार्क ज़्यादा नहीं करना है। जो क्वेश्चन का डिमांड है, जैसे कि लाइन है तो लाइन हमको डार्क होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ डार्क नहीं होना चाहिए। ये देखिए आपका डार्क है, ये हो गया। उसके बाद हमारा ये जो लेंथ है इसे हम लोग को शो करना पड़ेगा। तो शो करने के लिए हमारा तरीका क्या है, कुछ नहीं, इस लाइन के परपेंडिकुलर जाइए और कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद उसके पैरेलल जाके दूसरे कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके पैरेलल जाके एक लाइन ड्रॉ करिए और यहां पे आप शो कर दीजिए इसका साइज। साइज क्या है आपका, 75 mm। सो दिस इज योर डायमेंशन। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आपका, इसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ केस परपेंडिकुलर टू सॉरी और पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी का केस का ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बस याद रखिएगा, एचपी से जब इंक्लाइंड होता है तो अब आपका एक्स वाई से ऊपर बनता है, और वीपी से जब इंक्लाइंड होता है तो एक्स वाई से नीचे बनता है। इस केस को जरूर याद रखें, इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ड्रॉइंग शीट में भी और कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर टोटल आपका जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और ये केस क्या है इस पे भी ध्यान देना है। देखिए, सॉल्यूशन के साथ साथ हमें केस भी समझना है, कंसेप्ट भी समझना है, ड्राइंग भी समझना है। तीनों पे हमको प्रॉपर वर्क करना है। केस भी क्लियर होना चाहिए, कंडीशंस भी क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और आपका ड्राइंग भी क्लियर होना चाहिए। तो तीनों चीजों पे आपको इक्वली आपको मेहनत करना है। ये तो बात हो गई हमारे क्लास से रिलेटेड। अब बात आती है कि आप लोग के जो बहुत कल थे, मतलब जो फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है आपके सब्जेक्ट में, प्लीज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स करें अपने दोस्तों को, ताकि उन तक भी पहुंचे, हम तक भी बच्चे पहुंचे, उनको जो डाउट हो वो हम तक पहुंचाए, आपके जो दोस्त हैं उन तक आप पहुंचाइए, उनके डाउट वो हम तक पहुंचाएंगे, हम उस डाउट के साथ आप तक पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन मजा नहीं आएगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, मजा भी आएगा। आप क्वेश्चन कीजिए, हम आंसर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मतलब कहीं ना कहीं आपको होता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई चीज आपको डाउट क्रिएट हुआ होगा। तो मैं ये तो नहीं जान सकता कि आपको डाउट क्या क्रिएट हुआ है, वो तो चीज आपको अपने माइंड से समझना है कि मुझे कहां दिक्कत आ रहा है। इन दैट केस आपको कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है, आप वहां जाइए, वहां पे जो भी डाउट है आप डाउट डालिए। हमको जब मौका मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, उससे रिलेटेड अगर वीडियो बना सकते हैं वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं सॉल्यूशन देंगे। तो ये था आज का कल वीडियो सेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए केस के साथ मिलेंगे, जो इसका लास्ट केस है, केस 6, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।